राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम गिलहरी। रमेश और सुधीर दो भाई थे। एक दिन वे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक सुधीर बोला, भैया वो देखो गिलहरी। ये कहकर सुधीर ने पत्थर उठा लिया। रमेश ने कहा, नहीं नहीं पत्थर मत मारो, गिलहरी किसी को नहीं काटती, देखो कितने मजे से कुतर कुतर कर बेर खा रही है, कितनी प्यारी है, चलो उसके पास चले। सुधीर बोला, अरे ये तो पेड़ पर चढ़ गई। रमेश ने कहा, गिलहरी को फल बहुत अच्छे लगते हैं, इसे मूंगफली भी बहुत अच्छी लगती है, अगर इसे मूंगफली दे तो ये हमारे पास आ जाएगी। सुधीर ने एक मूंगफली गिलहरी को दिखाकर फेंकी। गिलहरी बड़ी तेजी से नीचे उतरी। वो मूंगफली उठाकर पेड़ की डाल पर चढ़ गई और कुतर कुतर कर मूंगफली खाने लगी। रमेश बोला, देखो गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियां हैं, इसके बाल बड़े मुलायम होते हैं। सुधीर ने कहा, भैया ये गिलहरी बहुत सुंदर है, आओ इसे पकड़े, मैं इसे घर ले जाऊंगा। रमेश बोला, सुधीर गिलहरी बड़ी फुर्तीली होती है, इसे पकड़ना आसान काम नहीं, जरा सी आवाज होते ही ये पेड़ पर चढ़ जाती है। सुधीर ने पूछा, क्या गिलहरियां पेड़ पर रहती हैं? रमेश ने उत्तर दिया, हाँ गिलहरियां पेड़ पर ही रहती हैं, वही उनका घर होता है। इतने में गिलहरी फिर पेड़ से उतरी। वो एक जगह रुक गई। अपनी चमकीली आंखों से वो दोनों भाइयों को देखने लगी। सुधीर उसे पकड़ने दौड़ा। गिलहरी झट से पेड़ पर चढ़ गई। सुधीर देखता ही रह गया। गिलहरी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्त अलूद्रा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार अरिदमन शर्मा। बाल कलाकार राजेश और तेजस। ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और सविता। तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।